अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि सपनों में कोई मंत्र उनको प्राप्त होता है। बहुत लोगों को जागते हुए मंत्र प्राप्त होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग क्योंकि साधना सिद्धि में एक अलग रास्ते निकल जाते हैं स्वसिद्ध होने के लिए, तो कई बार उनको उनका जो दिमाग है वो भ्रमित करता है शब्दों की रचना से। लेकिन जो सिद्ध होते हैं, जो साधु होते हैं, उनको अनंत से कुछ शब्द बताए जाते हैं और वो शब्द आम व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए होता है। एक विषय है, विषय ये कि कहा जाता है कि कलयुग में जो हमारी धार्मिक क्षमता है वो काफी कम है। इस कारण से कालांतर में मंत्रों को कम किया गया, ज्ञान को कम किया गया, और जो सबसे शॉर्टेस्ट कट है वो हमें दिया गया ताकि हम महादेव तक, महाशून्य तक पहुंच पाए। ऐसा ही एक घटना एक आचार्य के साथ हुई थी। वो एक दिन अपना पूजा और संध्या वंदन करके बैठे थे तो उनके मन में एक श्लोक आया और उन्होंने उस श्लोक को लिख दिया। जब श्लोक को लिख दिया, क्योंकि वो संस्कृत के महापंडित थे, तो उन्होंने फिर थोड़ा इधर उधर घूम करके आए, दो तीन लोगों को पढ़ाया कि देखो ये मैंने एक श्लोक लिखा है। उनका मनोभाव ये था कि महादेव का जो श्लोक उन्होंने लिखा है वो श्लोक उनके मन की, उनके अध्ययन का, उनके अध्यात्म का उपज है। और जैसे जैसे उन्होंने लोगों को एक अप्रूवल के लिए दिखाते चले गए, सुनाते चले गए, तो उसमें कुछ कुछ त्रुटियां निकलती चली गई, जैसे शब्दों की त्रुटियां, व्याकरण की त्रुटि, और वो भी समझ रहे थे कि अच्छा ऐसे ऐसा ऐसा विषय है। तो वो बैठ गए और वो उसके त्रुटि को सुधारने लगे। जब वो उसके त्रुटि को सुधारने लगे तो अचानक से उनका जो भी कुटिया था उसमें, अच्छा ये बहुत पहले की बात नहीं है, ये पिछले शताब्दी की कहानी है, तो उनके जो उनकी कुटिया में एक दिव्य पुरुष, एक साधु का प्रवेश हुआ जो लंगोटधारी थे और जनेऊ लिए हुए थे, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद मूंछ, सफ़ेद बाल, और वो काफ़ी कुपित होकर के इनसे बात करने लगे और उनको बोला कि आपको जो श्लोक बताया गया है आपका बस इतना ही काम है कि आप इस श्लोक को लोगों में बांट दें, आपको शुद्ध अशुद्ध करने का निर्णय लेने का इस श्लोक में कोई हक या अधिकार नहीं है, आपका काम है सिर्फ इस महामंत्र को लिखें और लोगों में प्रचारित करें। उन्होंने बताया कि ये स्वसिद्ध मंत्र है और इसके निम्न जाप से भी आपको बहुत लाभ होगा, लोगों को बहुत लाभ होगा। ये घटना जो अध्ययन करते हैं उनको पता है कि कई किताबों में दिया हुआ है। ये मंत्र, इसका कोई साधना विधान तो नहीं है। उस समय जब इस मंत्र को बताया गया था तब इसका कोई साधना विधान नहीं था। स्वसिद्ध मंत्र का अर्थ होता है जैसे हम लोग साबर करते हैं कि आपने किया और उस मंत्र को करने से ही लाभ हो जाए, उसी तरीके से महादेव शंभू को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि ये बड़ा उत्तम एक मंत्र है। कालांतर में साधकों ने एक व्यवस्था बनाई कि अगर इस मंत्र को और प्रभावी, उग्र करना है और
जल्दी से दर्शन करना है तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था बनाई गई। क्या व्यवस्था बनाई गई? मंत्र, क्योंकि कलयुग में आया लेकिन ये साबर नहीं था, इसीलिए सफेद शिवलिंग का विधान रखा गया। देखिए, हर काल में शिवलिंग का रंग बदलता रहा। सबसे पहले साफ सफेद शिवलिंग आया, फिर लालिमा वाला शिवलिंग आया, फिर उससे थोड़ा और गाढ़े रंग का शिवलिंग आया, और अंतोगत्वा कलयुग का काला शिवलिंग आया। तो ट्रांसपेरेंट सफेद, फिर हल्के लालिमा वाला, और अभी काला शिवलिंग हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये सिद्धों के द्वारा सीधे इस मंत्र को बताया गया, तो सफेद शिवलिंग का इसमें व्यवस्था रखा गया। साथ में जो सक्षम है उनके लिए कहा गया कि 11 मुखी माला की, 11 मुखी का दाना जो रुद्राक्ष का होता है, उसमें 11 या 21 दानों की मन का इस मूर्ति को चढ़ाएं, ठीक है, और 5 मुखी माला से इसका जाप करें। अच्छा, 5 मुखी माला में वर्णित है कि बेर के दानों जितना बड़ा नेपाली दाना होना चाहिए। देखो, नेपाली दाना वर्णन करने का मतलब क्या होता है? 3 तरीके के दाने होते हैं। एक तो हिमालयन रेंज में जो होता है उसको रुद्राक्ष बोलते हैं, जो साउथ इंडिया डेक्कन में होता है उसको भद्राक्ष बोलते हैं, और जो इंडोनेशियन रुद्राक्ष होता है उसको नीलाक्ष बोलते हैं। तीनों में अंतर होता है, वो सामान्य लोग ऐसे समझ नहीं पाते, शायद इसीलिए उसका वर्णन किया गया कि उसमें आपको जाप करना है। शिवलिंग का तो दिशा तय होता है, मतलब शिवलिंग का जो अर्घा होता है वो नॉर्थ देखता है, और आप शिवलिंग के ईस्ट की पूजा करते हैं, ईस्ट दिशा में पूजा करते हैं, मतलब पश्चिम मुखी होकर के आप पूजा करते हैं। इसका जो साधना का विधान 11 दिन का बताया गया था, एक कहीं और पुस्तक में मैंने 21 दिन का सुना, और 108 मतलब एक मन मन के का जाप करके अंत में बेलपत्र में मधु लगा करके हवन करना है अंतिम दिन पर, ठीक है। तो 11 या 21 दिन आप अपने हिसाब से, जितना आपको महादेव से प्रेम हो उस हिसाब से करें। आम दिन पर इसका सिर्फ स्मरण मात्र से, देखो जो मूल पुस्तक है उसमें बताया गया कि स्मरण मात्र से ही, मतलब महादेव के सामने आप गए और एक बार आपने इस मंत्र को बोल दिया तो आपका जो भी कष्ट है निवारण वो हो जाए। सिद्धि साधना उनके लिए जो इस मंत्र से महादेव के और करीब आना चाहते हैं, महाशून्य के और करीब जाना चाहते हैं। महादेव और माँ भगवती की साधना में एक चीज है कि अगर आप ज्यादा लीन होते हैं तो आपका मेटेरियल लाइफ से आप दूर होकर स्पिरिचुअल लाइफ में जाने लगते हैं। उसी को हम लोग भैरव जी की साधना से बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो अंतिम दिन उससे साधना होगी। जो साधना काल है वो बिल्कुल ही आप शाकाहारी रहेंगे, किसी तरीके का कोई संबंध नहीं बनाएंगे, और जहां आप शिवलिंग रखेंगे उसी स्थान पर आप शयन करेंगे। महादेव को जो चढ़ता है, जो प्रिय भोजन है, वो भोजन आप चढ़ा सकते हैं। इसमें कोई भी भांग धतूरा गांजा ऐसी चीजों को नहीं चढ़ाना है। महादेव को प्रिय का मतलब सबसे ज्यादा बेलपत्र है, आक का फूल है ना, दूध है, दही है, घी है, इस तरीके के सामग्री को आप चढ़ाएंगे, ठीक है। मंत्र क्या है? मंत्र थोड़ा ट्रेचरस है मैं बोलूंगा, ठीक है, तो इसको आराम से सुनेंगे। अच्छा, संस्कृत के जो पंडित हैं वो बोल सकते हैं कि मंत्र में त्रुटि है, यही चीज इस मंत्र के रचयिता को भी लगा था, लेकिन उसको बताया गया कि नहीं, ये मंत्र में त्रुटि नहीं है, इस मंत्र को ऐसे ही लिखना चाहिए। देखो, सारा जो भाषा है, जो संस्कृत अभी हम बोलते हैं, वो भी जो मूल संस्कृत है उससे अलग है, क्योंकि ज्ञान विलुप्त हुआ है कालांतर में, और जो 4 युग हुए उसमें तो बहुत ज्यादा ज्ञान विलुप्त हुआ है, ठीक है। मंत्र है, प्रभो शंभो दीनम वित शरणम त्व च चरण्योर भवान्या तस्माद विषम विषया श्री विषह वृतात समुद्रत्यः श्रद्धा विधुरमपि बदा दरकर्मम दयादृष्टया पश्यन् निज तनये मामृति कुरुः शिवः। इस मंत्र को पढ़ने के और भी तरीके हैं, लोगों ने बहुत तरीके की संधि और संधि विच्छेद किए हैं, ठीक है। जैसे प्रभु शंभु जो मंत्र है उसके बाद लोगों ने
दीनम के पहले प्रभु शंभो शिव दीनम कर दिया है। ठीक है, जैसे नीचे एक शब्द है निज तन्यम, तो उसको निजत नयमाम ऐसे भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दो अल्टरेशन आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग पुस्तक में मिलेगा। जो मैंने बोला है आप उसको पढ़ के भी इस मंत्र का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, इस मंत्र को पढ़ने से महादेव का प्रत्यक्षीकरण भी ऐसा लोग बोलते हैं कि 1.25 लाख जाप के बाद उनको हुआ है। जिनको मंत्र लिखित चाहिए अपने हिसाब से, वो जो इस बार के अमावस्या का दिन है उस दिन मुझसे ये मंत्र ले सकते हैं। तो इस साधना को अपने हिसाब से 11-21 दिन का करें, उसके बाद बेलपत्र मधु लगा के हवन करें, दशांश हवन करेंगे तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जो कुछ नहीं करना चाहते वो दिन में सिर्फ 7 बार इस मंत्र का जाप करें और महाप्रभु की कृपा हमेशा प्राप्त करें। भोले बाबा है ना, एक बार एक चोर ने महादेव के मंदिर में आग लगा दी। हालांकि इन कथाओं पे मैं बहुत भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन कहते हैं कि उस चोर को महापंडित बना दिया महादेव ने, ये बोल के कि मंदिर में इस व्यक्ति ने ज्योत जलाई है, उसने गुस्से में आग लगा दिया था मंदिर में। तो वो महादेव है, तो कैसे भी पूजा करेंगे तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। जिन्हें बेसिक साधना ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें हम साधना का शुरुआती आयाम जैसे मंत्र यंत्र विधान बंधन ये सिखाते हैं। मेरे कार्यक्रम और लेख पढ़ने के लिए www.अघोरतंत्रहस्य.com पर आप जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए एक एप्लीकेशन है कॉल मी फॉर ऐप, उसको आप डाउनलोड कीजिए। उसमें रुद्रनाथ@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। महादेव आप सभी पर आनंद कृपा बरसाएं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश। ब्रह्म